वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस लेक्चर के माध्यम से हम कॉटन फाइबर ग्रो यानी फील्ड में हम कॉटन फाइबर कैसे ग्रो करते हैं वो वहां से लेकर के और कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आप पेशेंस के साथ जो है कंप्लीट सुनिए, ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट ये कंप्लीट प्रोसेस को जानने के लिए आप जो है पूरे लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग यानी कॉटन का जो हम धागा जो यार्न मैन्युफैक्चर करते हैं उसका एक कंप्लीट प्रोसेस का आपको जो है नॉलेज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कॉटन फाइबर प्रोडक्शन। कॉटन फाइबर आप फील्ड में जो है यानी हम एग्रीकल्चर के माध्यम से हम इस कॉटन फाइबर को जो है ग्रो करते हैं। ये हमारा कॉटन बॉल है जो कॉटन के प्लांट पे लगी हुई है और कॉटन बॉल जैसे मैच्योर होती है वो कॉटन बॉल हमारी ब्रस्ट होती है, फटती है और कॉटन फाइबर उसमें सीड्स पे जो कॉटन फाइबर ग्रो हुए होते हैं वो कॉटन फाइबर जो है बाहर दिखते हैं और ये सनलाइट में कॉटन फाइबर हमारी जो है ड्राई होती है, जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर जो है रिड्यूस होता जाता है कंटिन्यूअस और हमारा जो एग्रीकल्चर जो लैंड है जहां पे कॉटन लगी हुई है वो हमारा कुछ इस तरीके का कॉटन फील्ड लुक्स इफ कवर्ड विद स्नो। जो है कॉटन फील्ड जो है जो कॉटन का खेत है वो इस स्नो की तरह जो है बिल्कुल व्हाइटिश जो है हमारा दिखता है। तो इसको हम प्लकिंग कर लेते हैं, इस फाइबर की हम प्लकिंग करते हैं और प्लकिंग के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस में हम जिनिंग के लिए जो है इस कॉटन फाइबर को इंडस्ट्री में भेजते हैं। कॉटन की जर्नी हम यहाँ कॉटन फाइबर की को देखते हैं कि कॉटन फाइबर हमने ग्रो किया, कॉटन फाइबर की जिनिंग के बाद हमने कॉटन ए फाइबर हमें मिला जिससे हम स्लाइबर और रोबिंग प्रोड्यूस करेंगे और फाइनली हमने यार्न प्रोड्यूस किया यानी कॉटन से फाइबर, फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। ये हमारी कॉटन की जर्नी होगी। कॉटन फाइबर कंटिन्यूअस जो है अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला जो स्टेप होगा कॉटन फाइबर जो हम फील्ड से प्लकिंग किए हैं उसको हम पहला जो हमारा स्टेप होगा जिनिंग का। जिनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं आइए देखते हैं। जिनिंग प्रोसेस में सीड्स और कॉटन फाइबर दोनों को सेपरेट करते हैं यानी सीड से कॉटन फाइबर को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज नोन एज जिनिंग यानी सीड्स फाइबर से कॉटन फाइबर को अलग करने की प्रक्रिया जो है जिनिंग कहलाती है। कॉटन जिनिंग प्रोसेस इज डन बाय कॉटन जिनिंग मशीन और एक कॉटन जो जिनिंग का प्रोसेस है वो कॉटन जिनिंग की जो हमारी मशीनें हैं उनके द्वारा जो है परफॉर्म की जाती है। बट बिफोर जिनिंग वाज डन बाय हैंड और इन मशीनों को डेवलप होने से पहले जो है जो जिनिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता था वो बाय हैंड हम सीड्स को रिमूव करते थे, बाय हैंड एंड मैनुअल जो है सीड्स को हम रिमूव करते थे। इस पिक्चर के माध्यम से आप जो है जिनिंग का प्रोसेस देख रहे हैं। हम कॉटन सीड्स कॉटन को मशीन में फीड कर रहे हैं और ये मशीन जो है सीड्स को जो है सेपरेट और फाइबर को जो है सेपरेट कर दे रही है। कॉटन लेंट को हमारा यहाँ पे सेपरेट हो जा रहा है और सीड्स हमारी सेपरेट हो जा रही है। इस प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं यानी जो कॉटन आपने फील्ड से प्राप्त किया उसको जिनिंग के माध्यम से सीड्स को सेपरेट कर लिया और फाइबर हमारा जो है सेपरेट हो गया। अब फाइबर की हम पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस जो स्पिनिंग का है वहां पे जो है स्पिनिंग यूनिट्स को परचेज कर लेती हैं। टाइप्स ऑफ जिनिंग जो जिनिंग में जो मशीनें हमारी इन्वॉल्व होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जिनिंग। दे आर नाइफ रोलर जिनिंग फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी कॉटन, मकार्थियर रोलर जिनिंग फॉर लॉन्ग स्टेपल कॉटन यानी इजिप्शियन कॉटन में जनरली मकार्थियर जिनिंग हमारी यूज होती है। सॉ जिनिंग यूज फॉर अमेरिकन, वेस्ट अफ्रीकन, इंडियन एंड पाकिस्तानी कॉटन। ये जो है थ्री टाइप्स की जिनिंग के हम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और अकॉर्डिंग टू कंट्री अकॉर्डिंग टू वैरायटी ऑफ कॉटन हम प्रोसेस जो है अडॉप्ट करते हैं। पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड फॉर फाइबर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यानी फाइबर की प्रोसेसिंग में जो है वो कौन कौन से मेजर पॉइंट हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। मेन फैक्टर लेंथ, फाइबर की लेंथ को जो है हम देखते हैं कि फाइबर की लेंथ क्या है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेंथ। जब हम फाइबर की मिक्सिंग करते हैं तो उस लेंथ को हम एक समान लेंथ के फाइबर को एक साथ मिक्स करेंगे, और फाइबर की क्वालिटी के लिए, यार्न की क्वालिटी के लिए, अगर फाइबर की क्वालिटी है तो यार्न की क्वालिटी बेहतर होगी। इसके लिए जो है ये फैक्टर है जो कॉटन फाइबर, ये जो मेन फैक्टर है कॉटन फाइबर के साथ, इस कॉटन की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन फैक्टर लेंथ, फाइबर की लेंथ, फाइननेस, कॉटन फाइबर हमारी किस फाइननेस की है, मेच्योरिटी, कॉटन फाइबर की मेच्योरिटी का लेवल क्या है, यूनिफॉर्मिटी यानी फाइबर की लेंथ की यूनिफॉर्मिटी, एंड फाइबर फाइननेस यूनिफॉर्मिटी यानी जो है यूनिफॉर्मिटी का लेवल क्या है, ट्रेस कंटेंट हमारी जो कॉटन कितनी क्लीन है या ट्रेस परसेंटेज कितना है, एक फैक्टर है जो कॉटन की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अदर प्रॉपर्टीज, प्लाइबिलिटी, प्लाइबिलिटी यानी फाइबर कोहेजन क्षमता, फाइबर एक दूसरे फाइबर को जो कितना जो है ग्रिप करता है, ये जो है अगर प्लाइबिलिटी लेवल है तो फाइबर हमारे यार्न जो है स्ट्रांग बनता है। प्लाइबिलिटी, कोहेसिवनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और फाइबर की स्ट्रेंथ, ये जो फैक्टर है जो कॉटन की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए कि मिक्सिंग क्या होती है और ब्लेंडिंग क्या होती है। आइए देखते हैं मिक्सिंग। इन मिक्सिंग डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेम फाइबर आर केप्ट टुगेदर फॉर यार्न प्रोडक्शन। यार्न प्रोडक्शन में सेम फाइबर से अगर डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग वेरायटी की, अलग अलग लाट की अगर फाइबर अगर मिक्सिंग होती है तो उसको हम मिक्सिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कह रहे कि इन मिक्सिंग डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेम फाइबर आर केप्ट टुगेदर, एक साथ दो अलग अलग ग्रेड के फाइबर को अगर हम एक साथ मिक्स करते हैं, लाते हैं, तो उसको हम क्या, यार्न प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसको हम मिक्सिंग कहते हैं। इट इज जनरली मेंट एज इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइबर ऑफ सेम ग्रेड, कह रहे कि इस सेम फाइबर में जो है अलग अलग जो है लॉट को, फाइबर को मिक्स करते हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल, यूएसए पीमा ग्रेड एंड सीआईएस, ये दो अगर कॉटन की दो वेरायटी को हम एक साथ मिक्स करते हैं तो इसको हम मिक्सिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग, इट इज मेंट एज इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर आर केप्ट टुगेदर फॉर यार्न मैन्युफैक्चरिंग, कह रहे कि यार्न मैन्युफैक्चरिंग में अगर दो डिफरेंट फाइबर को एक साथ मिक्सिंग किया जाता है तो इसको हम ब्लेंडिंग, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पॉलिस्टर फाइबर एंड कॉटन फाइबर, दो डिफरेंट फाइबर है, पॉलिस्टर हमारा मैनमेड फाइबर है, कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है, अगर ये दो फाइबर को हम मिक्स करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्लेंडिंग कहेंगे। विस्कोस एंड कॉटन लाइक दैट ब्लेंडिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज है, हम क्यों मिक्सिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है इकोनॉमी यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यानी इकोनॉमी यानी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम जो है मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करते हैं। प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस, जो हमारी मशीनों की परफॉर्मेंस है, यार्न की परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करते हैं। फंक्शनल प्रॉपर्टीज, जो यार्न जो है मिक्सिंग के बाद जो यार्न बनेगा, जो प्रोड्यूस होएगा, उसकी क्वालिटी, जो उसके जो प्रॉपर्टीज है उसमें इन्हांसमेंट के लिए हम मिक्सिंग को जो है या ब्लेंडिंग को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग का, इकोनॉमी यानी रिड्यूस कॉस्ट, प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस, हम डिफरेंट मशीनों पे जो मेटल को प्रोसेस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के, मशीनों की मेटल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फंक्शनल प्रॉपर्टीज, यार्न जो हमारा यार्न प्रोड्यूस होएगा उस यार्न की जो है प्रॉपर्टीज जो है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैक मिक्सिंग का प्रोसेस जो है परफॉर्म हो रहा है, यानी दो वैरायटी, तीन वैरायटी के फाइबर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, लेयर टू लेयर हम मिक्सिंग कर रहे हैं। यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, आप कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर है उसके मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपको पता है हमने बताया था कि हम यहाँ पे कार्डेड यार्न और कॉम्ड यार्न दो टाइप के यार्न प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम कॉम्ड यार्न का प्रोसेस देख रहे हैं। इनपुट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड आउटपुट, इनपुट हम यहाँ पे जो है मेटल इनपुट करेंगे और मशीनों से प्रोसेस होकर के हमारा मेटल इस फार्म में
प्रोड्यूस होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी जीनिंग के बाद हमारा प्रोसेस आता है ब्लोरूम, ब्लोरूम के बाद कार्डिंग, कार्डिंग के बाद प्री कॉम्बिंग, ड्राइंग, लैब फार्मर, कॉम्बिंग, कॉम्बिंग के बाद पोस्ट कॉम्बिंग ड्राइंग, सिंप्लेक्स जहां पे रोबिंग पर जो है प्रोड्यूस होगी, एंड आफ्टर रिंग फ्रेम, रोबिंग के बाद हमारी रिंग फ्रेम पे जो है यार्न प्रोड्यूस होता है, और यार्न के बाद हम उसका पैकेज जो है लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ में जो है हम यार्न को कन्वर्ट करने के लिए वाइंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस जो है कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये ब्लोरूम, कार्डिंग, प्री कॉम्बिंग, ड्राइंग, लैब फार्मर, कॉम्बिंग, पोस्ट कॉम्बिंग, सिंप्लेक्स, रिंग फ्रेम एंड वाइंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लोरूम, अब हमारा जो है जिनिंग के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो होता है, जो स्पिनिंग लाइन या स्पिनिंग जो प्रोसेस, स्पिनिंग यूनिट जो स्टार्ट करती है प्रोसेस को, वो ब्लोरूम से स्टार्ट करती है। तो हमने जिनिंग से जो है मटेरियल जो है रिसीव कर लिया, बेल को रिसीव कर लिया, और ब्लोरूम में हम अब प्रोसेस के लिए मेटेरियल को लाते हैं। तो बेल जो हमने रिसीव किया है वो कंपैक्ट फार्म में, यानी मेटेरियल हमारा जो है बेल में जब पैक करते हैं तो कॉटन कंपैक्ट फार्म में हो जाती है। अब मेटेरियल को ओपन करना है और प्रोसेस करना है, तो यहां ब्लोरूम का ऑब्जेक्ट हो जाता है टू ओपन द कंप्रेस्ड बेल ऑफ फाइबर, कंप्रेस्ड बेल फाइबर को ओपन करना, रिमूव डर्ट एंड डस्ट, डस्ट और डर्ट को रिमूव करना, ब्रोकन लीफ, सीड्स, पार्टिकल एंड एनी अदर फॉरेन इंप्योरिटीज फ्रॉम द फाइबर। और दूसरा जो ब्लोरूम का ऑब्जेक्ट है कि डस्ट, ब्रोकन सीड्स, इंप्योरिटीज एंड फॉरेन मेटेरियल को जो है रिमूव करना, टू ट्रांसफर द ओपेंड एंड क्लीन्ड फाइबर इनटू ए सीड्स, कह रहे कि ट्रांसफर द ओपन एंड क्लीन फाइबर इनटू ए सीड्स फ्रॉम डिफिनिट विथ एंड यूनिफॉर्म वेट पर यूनिट लेंथ विच इज कॉल्ड लैब, और एनी लैब फॉर्मेशन, यानी जो हमने मेटल की ओपनिंग किया, क्लीनिंग किया, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कार्डिंग होगा, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेटल को हम लैब फार्म में एक डिफिनिट, एक डिफाइन लेंथ और विथ में जो हम लैब फार्म करते हैं, और लैब फार्म लैब जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, टू रोल द लैब प्री डिटरमाइंड लेंथ इंटू ए सिलेंड्रिकल शेप अराउंड ए लैब पिन, कह रहे कि जो लैब को हम रोल करते हैं, हमारे जो है स्केचर में जो है लैब हमारी रोल होती है, टू ट्रांसफर द लैब फ्रॉम द लैब पिन टू ए लैब रोल टू सुटेबली हैंडल एंड फीड इन इनटू द सब्सिक्वेंट मशीन कार्डिंग, यानी जो हमारी लैब जो है बन रही है लैब रोल पे हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये नेक्स्ट प्रोसेस यानी कार्डिंग के लिए हम इसको कार्डिंग मशीन को ट्रांसफर कर देते हैं। एक्शन ऑफ ब्लोरूम लाइन, ब्लोरूम लाइन में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं, एक्शन ऑफ अपोजिट स्पाइक, यानी जो है इस जो हमारे रोलर है वो अपोजिट स्पाइक यानी अपोजिट एक दूसरे के वर्क करते हैं जिससे कि मेटल हमारा ओपन होता जाता है। एक्शन ऑफ एयर करेंट, एयर करेंट जो हमारा केज है, केज जो है एयर करंट डेवलप करता है, और मेटल जो है एक ओपनर से दूसरे ओपनर में जो है ट्रांसफर होता है। एक्शन ऑफ बीटर, बीटर का एक्शन, बीटर जो है मेटल को ओपन करता है। रेगुलेटिंग एक्शन यानी जो यूनिफॉर्म जो हमारी लैब प्रोड्यूस हो उसके लिए हमारा एक रेगुलेटिंग मोशन स्केचर से पहले जो है फिट रोलर पे लगा होता है। तो ये हमारे मेन एक्शन जो है ब्लोरूम में परफॉर्म होते हैं। वेस्टेज ऑफ ब्लोरूम, ड्रॉपिंग डस्ट एंड फिल्टर वेस्ट, ड्रॉपिंग यानी जो हमारे ओपनर है, ओपनर के जो नीचे जो ग्रिड लगी है, ग्रिड के नीचे जो हमारा इम्प्योरिटीज एंड कॉटन वेरी शॉर्ट फाइबर जो है ड्रॉपिंग होते हैं, वेस्ट में जाते हैं जिसको हम ड्रॉपिंग कहते हैं। डस्ट जो डस्ट पार्टिकल है वो सेपरेट होते हैं, एंड फिल्टर जो हमारी मशीन में जगह जगह फिल्टर लगे होते हैं, वो फिल्टर के माध्यम से डस्ट जो है कलेक्ट किए जाते हैं। डस्ट इसको जो है इस तरीके से हमारी ये वेस्टेज जो है इस ड्रॉपिंग डस्ट और फिल्टर वेस्ट, ये आप ब्लोरूम लाइन देख रहे हैं। ये हमारी बेल है, बेल से हमारा ओपनर जो मेटल को ओपन करता जाएगा, और इस पाइपलाइन से हमारा मेटल सक होकर के प्री ओपनर और मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद जो है ओपनिंग में ओपनिंग क्लीनिंग होती है मेटल की, और फिर कार्डिंग मेटल को चूट फीट के माध्यम से जो है ट्रांसफर। ये हमारी मॉडर्न ब्लोरूम लाइन है। मॉडर्न ब्लोरूम लाइन्स के में हम जो है लैब फार्म नहीं करते हैं, लैब फॉर्मेशन नहीं होता है। टाइप्स ऑफ बीटर इन ब्लोरूम, परकुपाइन बीटर, ब्लेडेड बीटर,
मल्टीपल बीटर एंड क्रिश्नर बीटर, ये जो है बीटर लगे होते हैं जो मेटल को जो है कंटिन्यूअस ओपन करते जाते हैं और क्लीन करते जाते हैं। फॉल्ट इन ब्लो रूम, इरेगुलर लैब, जो हमारी ओल्ड ब्लो रूम लाइन में जो हमारी लैब बन रही है, लैब जो है अगर इरेगुलर है तो ये फॉल्ट है। इरेगुलर लैब, नॉकिंग ऑफ बिफोर कंप्लीशन ऑफ फुल लैब एंड फुल लैब बनने से पहले ही जो नॉकिंग ऑफ होना, रफ अपीयरेंस ऑफ फुल लैब यानी हमारी जो क्लीन नहीं दिख रही है लैब, इसका मतलब कोई फॉल्ट है। लैब सीट थिकर एट वन साइड देन द अदर साइड, यानी एक साइड जो है मोटी है एक साइड पतली है। सॉफ्ट लैब यानी लैब हमारी सॉफ्ट है बल्की है। लैब लीकिंग, लैब लेयर टू लेयर चिपक रही है हमारी लैब। ड्रॉपिंग अंडर बीटर एंड ग्रिड बार, ड्रॉपिंग अंडर बीटर एंड ग्रिड बार के नीचे अगर हमारी लैब गिरती है तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोनिकल लैब, एक साइड जो हमारी लैब कोनिकल फॉर्म हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिट लैब, बैरल शेप लैब एंड रैग्ड लैब सेल्वेज जो है ये हमारे लैब में जनरली फॉल्ट होते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट कार्डिंग ब्लोरूम के बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है कार्डिंग आता है। कार्डिंग पे अब हमारा मेटेरियल ब्लोरूम के बाद कार्डिंग को शिफ्ट हो जाएगा। कार्डिंग एक्शन होगा, कार्डिंग परफॉर्म करेगी। कार्डिंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन कन्वेंशनल स्पिनिंग सिस्टम। जो हमारा कन्वेंशनल स्पिनिंग लाइन है उसमें कार्डिंग हमारी सेकेंड मशीन है। कार्डिंग इज कॉल्ड हार्ट ऑफ स्पिनिंग। कार्डिंग यानी हार्ट ऑफ स्पिनिंग हम इसलिए कहते हैं, अगर बेटर कार्डिंग होती है तो क्वालिटी हमारी बेटर प्रोड्यूस होती है। अगर कार्डिंग पुअर प्रोड्यूस होगी तो हमारी जो है क्वालिटी भी जो है पुअर प्रोड्यूस होगी। मेन फंक्शन ऑफ कार्डिंग इज टू ब्रेक अप लॉक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्लम्प्स ऑफ फाइबर, यानी जो हमारे फाइबर क्लम्स जो है, एक फाइबर जो है दूसरे फाइबर के साथ कंपैक्ट रूप से जो है टाइट है, उस फाइबर को जो है कार्डिंग क्या करती है, एक एक फाइबर की फाइबर टू फाइबर ओपनिंग करती है। ब्लेंडिंग यानी जो है यहाँ पे परफॉर्म जो फंक्शन होगा, ब्लेंडिंग मेटल की ब्लेंडिंग, ओपनिंग, पैरलाइजिंग ईच फाइबर इज ऑल्सो डन बाई कार्डिंग, यानी कार्डिंग की जो है एक एक वो इंडिविजुअल फाइबर की ब्लेंडिंग यानी फाइबर टू फाइबर ब्लेंडिंग मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, ओपनिंग होगी, मेटल की ओपनिंग हो कार्डिंग मशीन करेगी। पैरालाइजिंग फाइबर को जो है पैरालाइज फाइबर को हमारे जो है पैरालाइज होते जाते हैं। पैरालाइजिंग ऑफ ईच फाइबर इज आल्सो डन बाय कार्डिंग, ये कार्डिंग के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। फाइबर सीट आर लैप इज द इनपुट मेटेरियल ऑफ कार्डिंग एंड स्लाइवर इज द आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिंग। जो कार्डिंग में हम फाइबर यानी मॉडर्न मॉडर्न में जो हम जूट फिट के माध्यम से फिट करते हैं, और हमारी ओल्ड ब्लोरूम लाइन है तो लैब फिट करते हैं, लैब फिट करते हैं कार्डिंग में, और डिलीवर्ड मेटेरियल यानी प्रोसेस होने के बाद मेटल की ओपनिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग होने के बाद मेटल हमारा जो वेव फॉर्म में डिलीवर होता है उसको हम कंडेंस करके स्लाइवर फॉर्म में जो है डिलीवर करते हैं। तो यानी कार्डिंग में हम लैब फीड करेंगे और हमारी डिलीवरी क्या होगी, स्लाइवर की होगी, स्लाइवर की डिलीवरी होगी। ये आप कार्डिंग मशीन देख रहे हैं, ये हमारा लिकर इनरोलर है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमारी फ्लैट है, और कार्डिंग मेन जो कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है इस सिलेंडर और फ्लैट के बीच में होता है। और ये डाफर है जो मेटल को शिफ्ट कर लेता है अपने ऊपर, और डाफर के बाद जो है डाफर कॉम से और यहाँ पे वेव सेपरेट हो जाती है और स्लाइवर के फॉर्म में कंडेंस होकर मेटेरियल हमारा कैन में, यहाँ आप स्लाइवर देख रहे हैं यानी आपने लैब फिट किया या चूट फिट से मेटेरियल कार्डिंग में फिट किया और स्लाइवर फॉर्म में हमारा मेटेरियल जो है डिलीवर होता है और कैन में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ कार्डिंग मशीन, कार्डिंग मशीन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पज क्या है, टू ओपन द टफ्स ऑफ फाइबर, फाइबर टफ्स को ओपन करना, टू मेक द फाइबर पैरेलल एंड स्ट्रेट, फाइबर को पैरेलल यानी फाइबर को पैरेलल अरेंज करना एंड स्ट्रेट करना, फाइबर को स्ट्रेट करना जो है इस कार्डिंग का जो है ऑब्जेक्ट है। टू रिमूव रिमेनिंग ट्रेस पार्टिकल, और ब्लोरूम के बाद जो ट्रेस पार्टिकल जो है फाइबर में है उस ट्रेस पार्टिकल को जो है कार्डिंग हमारी रिमूव करती है, रिमूव करना। टू रिमूव शॉर्ट फाइबर, शॉर्ट फाइबर कुछ एक लेवल सर्टेन लेवल तक जो है शॉर्ट फाइबर को रिमूव करना। टू रिमूव नेप्स यानी जो फ्लैट हमारी है, फ्लैट जो है ओपनिंग में भी हेल्प करती है, और नेप्स जो फाइबर में नेप्स फॉर्मेशन है ब्लोरूम में उस नेप्स को भी रिमूव करती है कार्डिंग मशीन। टू प्रोड्यूस रोप लाइक फाइबर, और जो है फाइबर जो है किस तरीके का, रोप लाइक फाइबर कॉल्ड स्लाइबर,
और जो हमने लैब फिट किया था, और क्या प्रोड्यूस करेगी, ये स्लाइवर प्रोड्यूस करेगी, पैरालाइज फाइबर को पैरालाइज करने के बाद जो है स्लाइवर फॉर्म में हमारा जो है फाइबर प्रोड्यूस होगा, विच इज यूनिफॉर्म इन पर यूनिट लेंथ, जो पर यूनिट लेंथ जो है यूनिफॉर्म, यानी एक एक मीटर का भी अगर कट हम करें, टुकड़ा अगर हम ले, तो उसका वेट जो है समान होगा, यानी इस यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग ये है कि विच इज यूनिफॉर्म इन पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्मिटी का लेवल होगा। ये आप कार्टिंग मशीन देख रहे हैं जहां पे पूरा जो है कार्टिंग एक्शन परफॉर्म होगा, मेटल की ओपनिंग, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, ये सारे एक्शन होने के बाद स्लाइवर फॉर्म में हमारा मेटेरियल डिलीवर होता है। मेन एक्शन ऑफ कार्टिंग मशीन, मेन जो है एक्शन क्या होता है कार्टिंग मशीन में, एक्शन बिटवीन फीट रोलर एंड टेकर इन, यानी हम जो है मेटल को फिट करते हैं, एक्शन बिटवीन फीट रोलर एंड टेकर इन, फीट रोलर और टेकर इन के बीच में एक्शन, एक्शन बिटवीन टेकर इन एंड सिलेंडर, टेकर इन और सिलेंडर के बीच में एक्शन, फाइबर पे एक्शन, एक्शन कहाँ पे हो रहा है, फाइबर पे हो रहा है, एक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड फ्लैट, और नेक्स्ट एक्शन जो है सिलेंडर और फ्लैट के बीच में एक्शन, यानी मटेरियल पे जो है सिलेंडर और फ्लैट के बीच में एक्शन होगा, कार्डिंग एक्शन होगा, और मेटेरियल हमारा ओपन फाइबर टू फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन जो है परफॉर्म होगा, एक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड डॉफर, और नेक्स्ट जो एक्शन कहाँ पे होगा, सिलेंडर और डॉफर के बीच में, जो मेटेरियल सिलेंडर से डॉफर पे शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यूजफुल स्लाइवर हैंग ऑफ डिफरेंट काउंट, यहाँ पे जो है हम कुछ स्लाइवर काउंट देखेंगे, जो उस काउंट यार्न काउंट देखेंगे, और उस यार्न काउंट के हिसाब से स्लाइवर का काउंट क्या होना चाहिए प्रोसेस पैरामीटर में। तो 10 काउंट में जो हमारा स्लाइवर का हैंग है 0.125, एंड 20 में 0.125, 32 में 0.13, 40 0.135, 60 में 0.145, 80 में 0.165, ये हमारे जो है एक काउंट होगा, यार्न काउंट होगा, और ये स्लाइवर का हैंक होगा, यानी स्लाइवर का काउंट होगा। तो ये प्रोसेस पैरामीटर में इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं। वेस्ट इन कार्डिंग, कार्डिंग में वेस्ट क्या होगा, टेकर इन वेस्ट, टेकर इन पे जो हमारा जो फर्स्ट रोलर है टेकर इन रोलर है, टेकर इन में जो वेस्ट निकलेगा उसको टेकर इन वेस्ट, फ्लैट स्ट्रिप, फ्लैट से जो वेस्ट निकलेगा फ्लैट स्ट्रिप से फ्लैट स्ट्रिप वेस्ट, मोट्स एंड फाइल्स, जो हमारी मोट्स लगे हैं यानी लेकर इन के पास में जो हमारी मोट्स लगे हैं वहां से जो वेस्ट निकलता है मोट्स, स्लाइवर कट्स, हम पीसिंग में आगे जो डिलीवरी में जो है स्लाइवर कट्स होते हैं, एंड फिल्टर वेस्ट, ये हमारे जो है कार्डिंग में वेस्टेज होते हैं। अब नेक्स्ट कार्डिंग के बाद जो हमारी नेक्स्ट मशीन आती है वो ड्रा फ्रेम आती है, ड्रा फ्रेम मशीन, ड्रा फ्रेम पे जो है हम मेटल को फिट करते हैं, कैन को फिट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। आइए देखते हैं ड्रा फ्रेम, ये फिगर में आप ड्रा फ्रेम मशीन देख रहे हैं, जो ये कार्डेड कैन है, कार्डेड 6 कैन यहाँ पे फीड हो रहा है, और फीड होकर के ये ड्राफ्टिंग यूनिट है जो इसको हम ड्रा फ्रेम हेड कहेंगे, और इस ड्राफ्टिंग यूनिट में ड्राफ्टिंग होती है, मेटल की स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, और खींच करके हम उसको जो है फिर एक स्लाइवर के रूप में आगे डिलीवर करते हैं, यानी यहाँ डबलिंग हुई और ड्राफ्टिंग हुई। तो डबलिंग जो है यूनिफॉर्मिटी लेवल को इम्प्रूव करता है, और ड्राफ्टिंग जो है फाइबर ओरिएंटेशन, फाइबर पैरलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ड्रा फ्रेम इज ए मशीन फॉर कॉम्बिंग एंड ड्रॉइंग स्लाइवर, कंबाइनिंग जो है, ड्रा फ्रेम इज ए मशीन फॉर कंबाइनिंग एंड ड्रॉइंग स्लाइवर, हम जो है ड्रा फ्रेम पे जो है स्लाइवर को कंबाइन करते हैं और उसकी ड्रॉइंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। कार्डेड स्लाइवर आर फेड इनटू द ड्रा फ्रेम, कार्डेड स्लाइवर जो है फिट किया जाता है, इन दिस स्टेज फाइबर आर स्ट्रेटन, और इस स्टेज पे क्या होता है कि फाइबर जो है स्ट्रेट होते हैं, फाइबर जो है फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होकर के फाइबर पैरलाइज होते जाते हैं। इन दिस स्टेज द फाइबर आर स्ट्रेटेन्ड एंड फाइबर ब्लेंडिंग कैन आल्सो बी डन, और फाइबर की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग, जो मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग का एक्शन है वो भी यहाँ पे परफॉर्म होता है। इन ड्रॉइंग स्लाइवर आर इलोंगेटेड व्हेन पासिंग थ्रू ए ग्रुप ऑफ पेयर रोलर, ईच पेयर इज मूविंग फास्टर देन प्रीवियस वन, जो ड्राफ्टिंग रोलर में 3/3 ड्राफ्टिंग है या 4/4 ड्राफ्टिंग है, तो हमारा जो फ्रंट रोलर है वो हाई स्पीड से, उसके पीछे का जो बैक रोलर है वो स्लो स्पीड से, यानी मेटेरियल जहां से फीड हो रहा है वो स्लो स्पीड, और ग्रेजुअली रोलर की स्पीड बढ़ती जाती है जिससे मेटेरियल में स्ट्रेचिंग होती है, इसी को हम ड्राफ्टिंग
ड्राफ्टिंग या ड्राफ्ट कहते हैं, मेटल इस रोलर के माध्यम से जो है मेटल की ड्राफ्टिंग होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राफ्रेम, ड्राफ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पज है ड्राफ्रेम का। स्ट्रेटनिंग ऑफ क्रिम्ड एंड हुक्ड फाइबर, जो है क्रिम्ड और हुक्ड फाइबर को स्ट्रेट करना, सीधा करना। पैरेललिंग ऑफ फाइबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म ऑफ स्लाइबर ऑफ डिफिनेट वेट पर यूनिट यार्ड, रिड्यूस द वेट पर यार्ड ऑफ मटेरियल फेड टू मेक परफेक्ट ब्लेंडिंग मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट फाइबर। ये जो हमारा ड्रा फ्रेम का ऑब्जेक्ट होगा, यानी फाइबर को स्ट्रेट करना, फाइबर को पैरलाइज करना, स्लाइबर यूनिफॉर्म स्लाइबर प्रोड्यूस करना, और जो वेट पर यूनिट वेट को जो है रिड्यूस करना, एंड मेक एंड ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग ऑपरेशन को जो है परफॉर्म करना, ये हमारा जो है मेन ऑब्जेक्ट होगा ड्रा फ्रेम का। वेस्टेज इन ड्रा फ्रेम में, ड्रा फ्रेम में जनरली कौन कौन से वेस्टेज होते हैं, फिल्टर वेस्ट, क्लीनर वेस्ट, स्लाइवर कट्स। यानी जो है वेस्टेज इन ड्रा फ्रेम में फिल्टर जो हमारा सक्शन है वहां पे फिल्टर वेस्ट, क्लीनर वेस्ट एंड स्लाइवर कट्स, ये हमारे जो है वेस्टेज होंगे ड्रा फ्रेम में। नेक्स्ट जो हमारी मशीन आती है काम्बर आती है। काम्बर से पहले हमारी जो मशीनें रहती हैं काम्बर प्रिपरेटरी मशीनें रहती हैं, तो यहाँ पे हम काम्बर की बात करेंगे। कॉम्बिंग ऑपरेशन इज डन बाय कॉम्बिंग काम्बर मशीन। नॉर्मली कॉम्बिंग ऑफ प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस स्मूथर, फाइनर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूनिफॉर्म यार्न। यानी हम कॉम्बिंग एक्शन क्यों करते हैं, काम्बर हम कॉम्बिंग क्यों करते हैं, यानी कॉम्बिंग हम इसलिए करते हैं टू प्रोड्यूस स्मूथर, यानी जो है सॉफ्ट, फाइनर यानी फाइन से फाइन, स्ट्रॉन्गर मजबूत से मजबूत एंड मोर यूनिफॉर्म, और एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यार्न प्रोड्यूस करने के लिए हम कॉम्बिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कॉम्बिंग से हमारी यार्न की जो प्रॉपर्टीज है वो स्मूथ हो जाएगी, फाइन यार्न हम इजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो यार्न प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा मजबूत होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो एक कॉम्बिंग का मेन पर्पज होता है, कॉम्बिंग का ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ काम्बर टू रिमूव द फाइबर शॉर्टर देन प्री डिटरमाइंड लेंथ, यानी जिस हम लेंथ के फाइबर रखना चाहते हैं उस लेंथ के फाइबर हम जो है स्लाइबर में होने चाहिए, और जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं उस लेंथ के फाइबर जो है रिमूव हो जाए, ये जो है काम हम सेटिंग करते हैं कॉम्बिंग में। और जनरली जो है हम जिस लेंथ के फाइबर रिमूव करना चाहते हैं उस लेंथ के फाइबर हम इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में रिमूव करते हैं। टू रिमूव रिमेनिंग इम्प्योरिटीज इन द काम्बर लैप, और काम्बर लैप में जो है जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज हैं वो इस काम्बर जो लैप हम फिट कर रहे हैं, काम्बर पे जो लैप फिट कर रहे हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उस इम्प्योरिटीज रिमेनिंग इम्प्योरिटीज में क्या होगा, नेप्स होंगी, सीड्स फ्रेगमेंट होंगे, शॉर्ट फाइबर होंगे, लीफ फ्रेगमेंट हो सकते हैं, इस तरीके की फॉरेन मैटर हो सकते हैं, इस सारी इम्प्योरिटीज को जो है काम्बर रिमूव करता है। टू रिमूव नेप्स इन द कार्डेड स्लाइबर, और जो कार्डेड स्लाइबर है जो कार्डिंग से हमने स्लाइबर रिसीव किया है, लैफ प्रिपेयर किया है, उससे जो है नेप्स को जो है रिमूव करना। टू मेक द फाइबर मोर पैरेलल एंड स्ट्रेट, फाइबर का पैरलाइजेशन लेवल जो है इंप्रूव हो जाता है और फाइबर हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं इस कॉम्बिंग प्रोसेस में। टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्लाइबर ऑफ रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ, और इस तरीके से जो है फाइनल हमारा जो जो स्लाइबर प्रोड्यूस होता है कॉम्बिंग के बाद वो जो है मोर यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मिटी लेवल हम डबलिंग करते हैं और फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लेवल हमारा इंप्रूव हो जाता है। तो ये कॉम्बिंग का हमारा मेन पर्पज होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। आप जो है यहाँ कॉम्बिंग मशीन देख रहे हैं, कॉम्बिंग मशीन में हमारी लैफ फीड की गई है, कॉम्बिंग होगी, कॉम्बिंग के बाद जो है कॉम्बिंग वेव कंडेंस होकर के स्लाइबर फॉर्म में A8 हेड काम्बर है, और यहाँ हेड में जो है आगे जो है काम्बर में जो है ड्राफ्ट फ्रेम का हेड लगा होता है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग के बाद स्लाइबर फॉर्म में हमारा मटेरियल कैन में डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से कॉम्बिंग प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं। नेसेसरी ऑफ कॉम्बिंग, कॉम्बिंग की क्या जरूरत है, यानी हम इस प्रोसेस में कॉम्बिंग की क्या जरूरत है, तो द इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस क्वालिटी यार्न, यानी जो है इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस क्वालिटी यार्न, क्वालिटी यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए इस कॉम्बिंग मशीन की जो है जनरली जरूरत होती है।
क्लीन यानी हमें जो है नेसेसिटी में क्लीन फाइबर, फाइबर को जो है हमारी कॉमिंग क्या करती है, क्लीन कर देती है। यूनिफॉर्मिटी इन लेंथ फाइबर यानी जो यूनिफॉर्मिटी का जो लेवल है वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव करने के लिए फाइबर को क्लीन करने के लिए यूनिफॉर्मिटी इन लेंथ ऑफ फाइबर, फाइबर की लेंथ में यूनिफॉर्मिटी का लेवल यानी फाइबर हमारे जो है छोटे बड़े हैं तो यूनिफॉर्मिटी का जो रेशियो है यूनिफॉर्मिटी रेशियो इम्प्रूव हो जाता है आफ्टर कॉम्बिंग। एब्सेंस ऑफ नेप्स, नेप्स को रिमूव करना, मोर पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर, फाइबर पैरलाइजेशन और इलोंगेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है कॉम्बिंग की जरूरत होती है। स्ट्रेट फाइबर, फाइबर को स्ट्रेट करने के लिए कॉम्बिंग करते हैं। द एबव क्वालिटी ऑफ फाइबर कैन ओनली बी ऑब्टेंड बाय कॉम्बिंग, और इस तरीके की क्वालिटी जो है फाइबर में केवल कॉम्बिंग प्रोसेस से ही ऑब्टेंड जो है मिल सकती है। कॉम्बर्न ऑयल, द वेस्टेज व्हिच इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉम्बर मशीन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इज नोन एज कॉम्बर्न ऑयल। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज यानी कॉम्बिंग प्रोसेस में जो हम जो शॉर्ट फाइबर जो रिमूव करते हैं उस शॉर्ट फाइबर को हम क्या कहते हैं, नोयल कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज और इसको हम परसेंटेज में जो है एक्सप्रेस करते हैं यानी जो हमने शॉर्ट फाइबर जो रिमूव किया उसका वेट डिवाइड बाय टोटल फिड मटेरियल का वेट इंटू 100। इस तरीके से हम जो शॉर्ट फाइबर रिमूव करते हैं उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कि कितना परसेंट हमने शॉर्ट फाइबर रिमूव किया इस मटेरियल से। इट इज मेनली ऑफ शॉर्ट फाइबर एंड नेप्स, और इसमें जनरली क्या होता है जो शॉर्ट जो हम नॉयल जो होता है नॉयल में क्या होता है, मेनली शॉर्ट फाइबर एंड नेप्स। नॉयल इज यूज फॉर लोअर काउंट एंड रॉ मेटेरियल, ये नॉयल हमारा वेस्टेज नहीं होता है, नॉयल जो है क्लीन मेटेरियल होता है और ये हम इसको कोर्स काउंट में जनरली हम जो है इस नॉयल को हम इस्तेमाल करके कोर्स जो है यार्न हम प्रोड्यूस करते हैं। ये आप कॉम्बिंग मशीन देख रहे हैं जहां पे कॉम्बिंग का एक्शन परफॉर्म हुआ और नॉयल जो हमारा सेपरेट हो जाता है, शॉर्ट फाइबर सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी मशीन आती है कॉम्बिंग के बाद जो है स्पीड फ्रेम, स्पीड फ्रेम से जो है हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम स्लाइबर फीड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड फ्रेम में हम पीछे कैन लगे हुए हैं फिनिशर ड्रा फ्रेम के, इस कैन को हम फीड करते हैं और कैन जो है कैन फीड होकर के जो है क्रिल से पास होते हुए ड्राफ्टिंग यूनिट में आता है और ड्राफ्टिंग यूनिट में मेटेरियल स्लाइबर की ड्राफ्टिंग होती है और ड्राफ्टिंग के बाद हमारा जो है रोविंग फार्म में यानी वेट पर यूनिट लेंथ मेटल का रिड्यूस हो जाता है जिसको हम रोविंग कहते हैं, और इस रोविंग रोविंग फाइबर को हम स्लाइटली ट्विस्ट दे करके इस पैकेज पे हम उसकी फ्लायर के माध्यम से स्पिंडल के माध्यम से हम वाइंडिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है मेन जो है एक्शन होता है स्पीड फ्रेम में। इस स्पीड फ्रेम मशीन को हम कई नामों से जानते हैं, स्पीड फ्रेम, फ्लाई फ्रेम, रोविंग फ्रेम, जो है कई नामों से हम इस स्पीड फ्रेम को जानते हैं। इन यार्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी स्पीड फ्रेम इज सिचुएटेड आफ्टर द कॉम्बर, कॉम्बिंग के बाद हमारी ये जो है कॉम्बर के बाद जो है फिनिशर ड्रा फ्रेम, फिनिशर ड्रा फ्रेम के बाद जो है हमारी सिंप्लेक्स मशीन होती है। स्पीड फ्रेम आर सिंप्लेक्स मशीन ड्राफ्ट द स्लाइबर टू रिड्यूस द वेट पर यूनिट लेंथ, स्लाइबर की ड्राफ्टिंग होती है जिससे वेट पर यूनिट लेंथ हमारा जो है मेटल का रिड्यूस होता है। इन स्पीड फ्रेम गिव्स सम ट्विस्ट, स्पीड फ्रेम में जो हम क्या करते हैं स्लाइटली ट्विस्ट देते हैं जिससे जो है स्ट्रेंथ जो है मेटल में रोबिंग में स्लाइटली स्ट्रेंथ जो है डेवलप हो जाती है। इन स्पीड फ्रेम गिव सम ट्विस्ट टू गिव स्ट्रेंथ इन द रोबिंग, रोबिंग में जो है स्लाइटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या देते हैं स्लाइटली ट्विस्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड फ्रेम, ऑब्जेक्ट क्या होगा स्पीड फ्रेम का, अटेनुएटिंग द ड्रॉन स्लाइबर टू ए सुटेबल साइज फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग प्रोसेस के लिए जो हम एक सुटेबल साइज हम प्रिपेयर करते हैं यानी सुटेबल साइज इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर जो है वेट पर यूनिट लेंथ की हम रोबिंग जो है प्रिपेयर करते हैं वो ड्राफ्टिंग के हेल्प से। टू इंसर्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट टू स्ट्रेंथन द रोबिंग, और नेक्स्ट यानी पहला जो एक्शन होगा वो ड्राफ्टिंग का होगा यानी वेट पर यूनिट लेंथ को रिड्यूस करते हैं इस स्पीड फ्रेम में। दूसरा जो एक्शन होगा ड्राफ्टिंग के बाद मटेरियल जब डिलीवर होगा डिलीवरिंग में जो है टू इंसर्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट टू स्ट्रेंथ इन द रोबिंग, यानी अब डिलीवरी में हम जो है स्लाइटली ट्विस्ट देते हैं जिससे रोबिंग में स्ट्रेंथ का लेवल इंप्रूव हो। टू वाइंड द ट्विस्टेड स्टैंड
रोविंग टू ए बॉबिन, और इस ट्विस्टिंग के बाद जो है वाइंडिंग का एक्शन जो है परफॉर्म होगा बॉबिन पे, यानी टू वाइंड द ट्विस्टेड स्टैंड रोविंग इनटू ए बॉबिन पैकेज। बॉबिन पे हम जो है इसको रोविंग को वाइंडिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है मेन ऑब्जेक्ट होगा, यानी ड्राफ्टिंग ट्विस्टिंग एंड वाइंडिंग ऑफ मेटेरियल इस स्पीड फ्रेम में। ऑपरेशन इन्वॉल्व इन स्पीड फ्रेम, ये जो है जो आपने ऊपर मशीन देखा उस मशीन हमारा जो है पीछे कैन मेटल है, कैन मेटल में ये हमारा स्लाइवर फीड हो रहा है, एक क्रील है, क्रील की हेल्प से स्लाइवर फीड होगा ड्राफ्टिंग यूनिट में, ये हमारे ड्राफ्टिंग यूनिट है, फीड रोलर मिडिल जो है फीड रोलर के बाद सेकेंड रोलर मिडिल रोलर एंड फ्रंट रोलर, ग्रेजुअली जो है स्पीड जो है रोलर की बढ़ती जाएगी और ड्राफ्टिंग एक्शन परफॉर्म होगा। और ड्राफ्टिंग के बाद हमारा जो है यहाँ पे जब मेटल डिलीवरी में आता है ट्विस्टिंग होगी, जो है स्लाइटली ट्विस्ट जो है इस फ्लायर के माध्यम से रोबिंग में ट्विस्ट इंसर्ट होती है और पैकेज पे हम इसको रोबिंग को वाइंड अप कर लेते हैं। इस रोबिंग जो हमारी निकल रही है उसको हम फ्लायर और बॉबिन के हेल्प से जो हम वाइंडिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आप पैसेज ऑफ मेटेरियल आपने फिगर में देखा। ऑपरेशन इन्वॉल्व इन स्पीड फ्रेम, स्पीड फ्रेम में कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे, ड्राफ्टिंग फर्स्ट एक्शन जो होगा वो ड्राफ्टिंग, यानी ड्राफ्टिंग से पहले जो है कह सकते हैं क्रीलिंग, ड्राफ्टिंग, ट्विस्टिंग, लेइंग आउट एंड वाइंडिंग एंड बिल्डिंग मोशन, ये हमारा जो है एक्शन जो है परफॉर्म होंगे इस स्पीड फ्रेम में। स्पीड फ्रेम के बाद हमारी नेक्स्ट जो मशीन आती है रिंग फ्रेम मशीन आती है, जहां पे हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं, और फाइनली ये यहाँ पे जो है इस मशीन पे यार्न हम प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हम जो पार्ट था वो कार्टन प्रिपरेशन का पार्ट था, यानी यार्न प्रिपरेशन का पार्ट था, अब यहाँ पे हम मेटेरियल जो हमने रोबिंग जो प्रोड्यूस की है रोबिंग बॉबिन को हम रिंग फ्रेम पे पुट करेंगे। ये आप रोबिंग बॉबिन देख रहे हैं, इसको हमने जो है क्रील पे रिंग फ्रेम पे पुट किया, और इस रोबिंग बॉबिन को अनवाइंड करके ड्राफ्टिंग यूनिट से पास करते हैं और मेटेरियल ड्राफ्ट होकर के डिलीवरी होता है। डिलीवरी में ट्विस्ट इंसर्ट होती है स्पिंडल के माध्यम से और धागे को हम पैकेज पे कॉप बॉबिन पे हम वाइंडिंग कर लेते हैं। तो ये रिंग फ्रेम में एक्शन परफॉर्म होता है। रिंग फ्रेम इज द लास्ट मशीन टू मैन्युफैक्चर यार्न। यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है रिंग फ्रेम जो है प्रोसेस की लास्ट मशीन है। इट गिव्स ड्राफ्ट द रोविंग अंटिल द रिक्वायर्ड फाइननेस इज अचीव्ड। हमें जिस फाइननेस का यार्न प्रोड्यूस करना है उस फाइननेस की को अचीव करने के लिए हम मेटेरियल में ड्राफ्ट ड्राफ्ट इनपुट करते हैं और रोविंग को ड्राफ्टिंग करते हैं। एंड इंसर्ट ट्विस्ट द ड्राफ्टेड स्टैंड टू फॉर्म यार्न ऑफ रिक्वायर्ड काउंट एंड स्ट्रेंथ। और जो ड्राफ्टेड मेटेरियल जो ड्राफ्टेड स्टैंड है उसमें हम ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं, और ट्विस्ट इंसर्ट करके उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ को हम इंप्रूव करते हैं और रिक्वायर्ड जो हमें काउंट है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से आप ये पिक्चर में आप रिंग फ्रेम मशीन देख रहे हैं, और इस रिंग फ्रेम मशीन के माध्यम से हम यार्न को प्रोड्यूस करते हैं, यार्न प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिंग फ्रेम, रिंग फ्रेम का क्या ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे हम देखते हैं। टू ड्राफ्ट द रोविंग फेड टू द रिंग फ्रेम फ्रेम इस रिंग स्पिनिंग फ्रेम, यानी यहाँ पे जो है टू ड्राफ्ट द रोविंग फेड टू द रिंग स्पिनिंग फ्रेम, जो रोविंग फीड की गई है उस रोविंग की ड्राफ्टिंग करना, पहला जो ऑब्जेक्ट होगा रोविंग की ड्राफ्टिंग करना। टू इंसर्ट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, और उस ड्राफ्टेड रोविंग में जो है अमाउंट ऑफ ट्विस्ट जो हमें ट्विस्ट रिक्वायर्ड है उस ट्विस्ट को इंसर्ट करना। टू वाइंड द ट्विस्टेड थ्रेड आर यार्न ऑन ए सिलिंड्रिकल बॉबिन आर ट्यूब, यानी यहाँ पे जो है टू वाइंड द ट्विस्टेड थ्रेड, जो थ्रेड जिसमें हमने ट्विस्ट इंसर्ट किया उस ट्विस्टेड थ्रेड को यार्न को जो है बॉबिन पैकेज पे वाइंडिंग करना, ये हमारा जो है मेन ऑब्जेक्ट होगा। यानी रोबिंग क्रील के बाद जो है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद ट्विस्ट इंसर्शन एंड ट्विस्ट के बाद जो है वाइंडिंग प्रोसेस, ये रिंग फ्रेम का मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन पर्पज होता है। यहाँ पे आप पैसेज ऑफ मेटेरियल देख रहे हैं, क्रील से रोबिंग हमारी अनवाइंड होकर के फिड रोलर में इंटर करती है, मिडल हमारा एप्रन रोलर है, एप्रन ड्राफ्टिंग रोलर है, और उससे फ्रंट रोलर, यानी यहाँ पे ड्राफ्टिंग एक्शन को परफॉर्म होकर के रोबिंग जो हमारी जो है ट्विस्टेड हो जाती है और इस बॉबिन पे वाइंड अप जो है कंटिन्यूस जो है यार्न हमारा वाइंड अप होता जाता है। ऑपरेशन इन्वॉल्व इन रिंग फ्रेम,
क्रिल इन, यानी पहले हम क्या करते हैं, क्रिल इन करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, लेइंग आउट मेटल की जो है बिल्डिंग मोशन, डॉफिंग एंड वाइंडिंग। डॉफिंग के बाद हमारा वाइंडिंग प्रोसेस को मेटल जो है चला जाता है, ये हमारा जो है रिंग फ्रेम में जो है एक्शन जो है परफॉर्म होते हैं, क्रिलिंग, ड्राफ्टिंग, ट्विस्टिंग, लेइंग आउट, बिल्डिंग, डॉफिंग एंड वाइंडिंग। फैक्टर गवर्निंग ऑप्टिमम स्पिनिंग कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन जो है हमारी एक अच्छी कंडीशन में हमारी जो है स्पिनिंग परफॉर्म हो, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है जनरली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की स्पीड जो है अगर हम कम करते हैं तो प्रोडक्शन कम होगा, बहुत ज्यादा करते हैं तो ब्रेकेज लेवल बढ़ेगा। तो ऑप्टिमम लेना, एक जो है प्रॉपर उचित जो है एक स्पीड होनी चाहिए, ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए, बेस्ट सुटेबल जिसको कह सकते हैं स्पिंडल स्पीड। रिंग डाया, रिंग का जो डायमीटर है वो जो है रिंग फ्रेम के जो है वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करता है। लिफ्टिंग, जो लिफ्टिंग मोशन है, रिंग बॉबिन लिफ्टिंग मोशन है, एंड ट्रेवलर वेट, और जो ट्रेवलर हम यूज कर रहे हैं रिंग पे उस ट्रेवलर का वेट क्या है, वो हमारी जो है ब्रेकेज लेवल को कंट्रोल करता है और ब्रेकेज को बढ़ाता भी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये फैक्टर है जो मेन फैक्टर है रिंग फ्रेम के रिंग फ्रेम के वर्किंग को जो है इफेक्ट करते हैं। स्पिंडल स्पीड, रिंग डाया, लिफ्ट, ट्रेवलर वेट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यार्न क्वालिटी असेसमेंट, यार्न हमारा प्रोड्यूस हुआ तो यार्न किस क्वालिटी का है, क्या क्वालिटी है यार्न की, कैसे हम मेजर करते हैं क्वालिटी को, तो आइए देखते हैं जो है यार्न काउंट एंड इट्स वेरिएशन, यानी जो हमने काउंट प्रोड्यूस किया वो काउंट प्रॉपर है कि नहीं, और या काउंट में वेरिएशन है तो हम जो है काउंट एक को इस काउंट वेरिएशन को मेजर करते हैं। ट्विस्ट एंड इट्स वेरिएशन, यानी जो हमने ट्विस्ट इंसर्ट किया वो ट्विस्ट है या नहीं, और ट्विस्ट में वेरिएशन का लेवल कितना है, ट्विस्ट वेरिएशन। इवनेस कोफिशिएंट, सीवी परसेंटेज एंड यू परसेंटेज ऑफ यार्न, यानी इवनेस लेवल को हम जो है यू परसेंटेज और सीवी से में मेजर करते हैं उस्टर मशीन के माध्यम से। स्ट्रेंथ एंड इट्स वेरिएशन, सीएसपी ऑफ यार्न, और हम सीएसपी यार्न की स्ट्रेंथ को हम देखते हैं कि जो हमने यार्न प्रोड्यूस किया वो स्ट्रेंथ क्या है, वीवेबिलिटी है या नहीं यार्न में, हम इसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन लेवल में नेप्स, थिक थिन प्लेसेस का लेवल क्या है, स्लब्स का लेवल क्या है, ये इम्परफेक्शन के लेवल में आता है। तो यार्न की क्वालिटी असेसमेंट में हम यार्न काउंट वेरिएशन, ट्विस्ट वेरिएशन, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट वेरिएशन, इवनेस, यार्न इवनेस मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, एंड इम्परफेक्शन के लेवल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप यार्न देख रहे हैं, ये जैसे आप थिक प्लेसेस देख रहे हैं, तो ये यार्न में डिफरेंट टाइप के जो है फॉल्ट होंगे और उसको हम मेजर करेंगे, और मेजर करके हम यार्न की क्वालिटी को एसेस करते हैं कि यार्न की क्वालिटी का लेवल हमारा क्या है। वेस्टेज इन रिंग फ्रेम, रिंग फ्रेम में जो है किस टाइप के वेस्टेज होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्टेज इन रिंग फ्रेम, दे आर सॉफ्ट वेस्ट, जो है टू टाइप्स के वेस्टेज, यानी एक सॉफ्ट वेस्ट दूसरा हार्ड वेस्ट। सॉफ्ट वेस्ट, ये आप सॉफ्ट वेस्ट देख रहे हैं, न्यूमोफिल, यानी ये डिलीवरी में हमारा यार्न जो है ब्रेक होता है तो सक्शन में मटेरियल जाता है जिसको हम न्यूमोफिल, बोंडा, अगर हमारी लैपिंग होती है रोलर पे तो उसको हम बोंडा वेस्ट, रोविंग यानी पीछे जो हमने रोविंग जो फिट किया है उससे कुछ वेस्टेज होता है, रोविंग वेस्टेज होता है, एंड स्वीपिंग में यानी मटेरियल हम फ्लोर पे जो है जो जाता है उसको स्वीपिंग में चला जाता है। इस तरीके से ये सॉफ्ट वेस्टेज है, न्यूमोफिल, बोंडा, रोविंग एंड स्वीपिंग, दीज आर सॉफ्ट वेस्ट। हार्ड वेस्ट, ब्रोकन एंड ऑफ यार्न, यार्न जो है डिलीवरी में ट्विस्ट हो जाता है, फाइबर हमारे ट्विस्ट हो जाते हैं और वहां पे अगर किसी भी तरीके का वेस्टेज होता है तो उस जो है वो हार्ड वेस्ट में आता है, यानी ट्विस्टिंग के बाद जो फाइबर ट्विस्ट हो जाता है यार्न प्रोड्यूस हो जाता है, और यार्न अगर वेस्ट होता है तो ब्रोकन एंड ऑफ यार्न हार्ड वेस्ट में, यार्न वेस्ट इन वाइंडिंग, और जब हम वाइंडिंग में जाते हैं यार्न को वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे भी कुछ वेस्टेज होता है जो हमारा हार्ड वेस्ट है, यानी हार्ड वेस्ट जो है रिंग फ्रेम पे और वाइंडिंग। यहाँ पे जो यार्न देख रहे हैं, यार्न का जो वेस्टेज है ये हमारा हार्ड वेस्टेज है। तो इस तरीके से रिंग फ्रेम पे टू टाइप्स का वेस्ट हमें मिलेगा, सॉफ्ट वेस्ट और हार्ड वेस्ट। काजेज ऑफ इंड ब्रेकेज, इंड डाउन, इंड डाउन के जो है क्या काजेज होंगे, इंड ब्रेकेज के क्या रीजन होंगे, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इफ स्पिनिंग टेंशन इज ग्रेटर,
than yarn strength in ring frame, then the breakage is occurred and also due to roller lapping. कह रहा है कि जो है ये इंड ब्रेकेज का जो मेन कारण है, अगर यहाँ पे टेंशन बढ़ता है तो अगर यान की स्ट्रेंथ से ज्यादा टेंशन का लेवल हो जाता है तो ये इंड ब्रेकेज का जो है कारण होगा और लैपिंग भी जो है एक काज हो सकती है. द टेक्निकल काजेस जो है टेक्निकल कौन कौन से जो है कारण होते हैं जिसके वजह से हमारी जो है इंड ब्रेकेज जनरली इंड ब्रेकेज होता है. इनसफिशेंट ट्विस्ट इन यान, जो है ट्विस्ट में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो ट्विस्ट का लेवल अगर कम होता है तो भी इन ब्रेकेज का लेवल इंड ब्रेकेज बढ़ता है. इफ ट्रेवलर फ्लाई अप, ट्रेवलर अगर फ्लाई हो गया निकल गया रिंग से तो उस केस में भी जो है हमारा इंड ब्रेकेज होगा. स्लबिंग थ्रो, स्ट्रेच रोबिंग, अगर रोबिंग हमारे पीछे जो है स्ट्रेच हो रही है तो थिक थिन प्लेसेस जनरेट होगा और ब्रेकेज होगा. फॉल्टी ड्राफ्टिंग रोलर सेटिंग, रोलर सेटिंग अगर हमारा फॉल्टी है प्रॉपर नहीं है उस केस में भी इंड ब्रेकेज होगा. फॉल्टी ट्रेवलर सिलेक्शन, ट्रेवलर हमने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू काउंट्स हमने सिलेक्शन नहीं किया है उस केस में भी इंड ब्रेकेज जो है बढ़ता है. एक्सेसिव यार्न टेंशन, अगर यार्न टेंशन वॉल्यूम कंट्रोल रिंग हमारी नहीं है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो उस केस में भी जो है हमारा जो है टेंशन का लेवल बढ़ता है और इंड ब्रेकेज होगा. इम्प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रिंग फ्रेम में जो हमारा रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी का लेवल है एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो हमारा अगर इम्प्रॉपर है उस केस में भी जो है ब्रेकेज के लेवल बढ़ जाते हैं. मैकेनिकल काजेज, फॉल्टी ड्राफ्टिंग सिस्टम, वॉर्न आउट रिंग एंड ट्रेवलर, ये जो मशीन के कारण जो ब्रेकेज होंगे वो हम कौन कौन से मशीन में काजेज होंगे जिसके कारण से इंड ब्रेकेज जो है बढ़ सकता है. फॉल्टी ड्राफ्टिंग सिस्टम, जो ड्राफ्टिंग सिस्टम है अगर उसमें फॉल्ट है, उसमें अगर फॉल्ट है उसके कारण से भी जो हमारा सेटिंग प्रॉपर नहीं है, रोलर में प्रेशर कम है, कई रीजन हो सकते हैं उसके वजह से भी हमारा इंड ब्रेकेज होगा. वॉर्न आउट रिंग एंड ट्रेवलर, रिंग और ट्रेवलर अगर लाइफ उनकी खत्म हो गई है उसके कारण से भी जो है इंड ब्रेकेज होगा. फॉल्टी गियर एंड व्हील, गियर हमारी जो है डैमेज है उस केस में भी जो है हमारे जो है इंड ब्रेकेज हो सकता है. वॉर्न आउट ऑफ रोलर, रोलर अगर हमारे डैमेज है उस केस में भी जो है हमारे जो है इंड ब्रेकेज बढ़ेगा. फॉल्टी एप्रॉन, एप्रॉन हमारी जो है डैमेज है, स्क्रैच है उस केस में भी जो है इंड ब्रेकेज जो है बढ़ेंगे. स्पिंडल वाइब्रेशन, अगर स्पिंडल हमारा वाइब्रेट कर रहा है पर्टिकुलर स्पिंडल उस केस में भी जो है हमारा इंड ब्रेकेज बढ़ेगा. एंड इसेंट्रिक रिंग, और रिंग का जो है रिंग सेंटर में प्रॉपर स्पिंडल के साथ नहीं है तो उस केस में भी जो है हमारा जो है ब्रेकेज का लेवल बढ़ जाता है. तो मैं समझता हूँ ये लेक्चर जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूरे कॉटन स्पिनिंग प्रोसेस का इस लेक्चर के माध्यम से हमने आपको दिया है. अगर इस लेक्चर को आप पेशेंस के साथ जो है पूरे धैर्य के साथ अगर आप सुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रोसेस का कॉटन स्पिनिंग के प्रोसेस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.